मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में लगातार जिस प्रकार से अनियमितताएं सामने आ रही हैं, ऐसे में एमपी स्टूडेंट छात्र संगठन के द्वारा मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं छात्र संगठन का कहना है कि बहुत सारे पैरामेडिकल के साथ साथ बहुत से कोर्स की पढ़ाई सत्र में देरी से चल रही है। वहीं परीक्षाएं होने के बाद भी प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। वहीं कई बार प्रबंधन को इस बात को लेकर शिकायत की गई है, पर अभी तक छात्रों की समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है। इसको लेकर आज एमपी स्टूडेंट यूनियन छात्र संगठन के द्वारा यूनिवर्सिटी में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया गया है। वहीं प्रबंधन के खिलाफ छात्र संगठन ने नारेबाजी भी की है। वहीं छात्र संगठन का कहना है कि जिस प्रकार से लगातार मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, ऐसे में किस प्रकार से छात्र अपनी पढ़ाई करेंगे। वहीं कई सत्र जो कि 3 साल में पूरे होने थे, पर अभी लगभग 5 से 6 साल बीत जाने पर भी छात्रों के कोर्स पूरे नहीं हुए हैं। समय पर सत्र पूरा न होने के कारण छात्रों को अपने भविष्य को लेकर खतरा मंडराते हुए दिख रहा है। इसलिए मेडिकल यूनिवर्सिटी को अपनी व्यवस्थाएं छात्रों को लेकर दुरुस्त करनी चाहिए, जिसको लेकर आज एक ज्ञापन मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन को सौंपा गया है। आज एमपीएसयू के द्वारा मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज्ञापन प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है जिस प्रकार से लगातार छात्रों की मांगों को अनसुना किया जा रहा है, उनके भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है। छात्र आज इतना मजबूर हो गया कि वो आत्महत्या तक करने को मजबूर है। हम चाहते हैं कि ये सभी जिम्मेदार अधिकारी छात्रों की मांगों को पूरा करें, अन्यथा मध्य प्रदेश शासन से भी हमारी मांग है कि ऐसे अधिकारी छात्रों के प्रति, शासन और सरकार के प्रति एक गलत मंशा और गलत दिशा तय कर रहे हैं, और आने वाले समय में सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए छात्रों की मांग सुनी जाए, इन अधिकारियों को मजबूर किया जाए, अन्यथा ऐसे अधिकारियों को अपने घर भेजा जाए जिनका आज इस विश्वविद्यालय में छात्रों से कोई नाता नहीं है। उनका नाता है तो अपने नाम से, संबंध से, नेतागिरी करने से और बड़ी बड़ी रकम कमाने से। इस विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के अंजाम लगे, अनियमितताओं के अंजाम लगे, अयोग्य होने पर अधिकार अंजाम लगे, लेकिन उनको इस विश्वविद्यालय से भगा भी दिया जाता है। पर बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ही अधिकारियों को विश्वविद्यालय में बड़े पदों पर आसीन कर दिया जाता है, जो फिर से छात्रों के साथ दमनकारी नीति अपनाते हैं। हमारी मांग है, अगर छात्रों की मांग पूरी नहीं की गई तो अगले 2 हफ्ते के अंदर इस विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के प्रति अर्थी जुलूस मध्य प्रदेश छात्र संघ निकालेगा। आज किस तरह आप लोग प्रदर्शन किए? किस तरह प्रदर्शन किया आप लोगों ने? आज हम लोग यहाँ पे इसी कार्य परिषद की बैठक में ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन छात्रों की सुनने वाला कोई नहीं है। कार्य परिषद का एक भी सदस्य अभी तक यहाँ ज्ञापन लेने नहीं आया है। लगातार BMLT हम लोगों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ करा है। कलयुग में कहा जाता है कि संकट हरने का काम हनुमान जी करते हैं, तो छात्रों ने हनुमान जी को याद करा है और उनसे निवेदन करा है कि ऐसे अधिकारियों को सद्बुद्धि दें जिनको जिस चीज़ के लिए बैठाया गया। छात्रों के लिए विश्वविद्यालय है, छात्रों के लिए उनको पदस्थ कराया गया, तो छात्रों के हित में काम करें, ना ही छात्रों को आत्महत्या करने पर मजबूर करें। किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? लगातार देखने को मिल रहा है कि 2020-21 सेशन के छात्रों का अभी तक एनरोलमेंट नहीं हुआ है, उनको विश्वविद्यालय को संबद्धता नहीं मिली है और काफ़ी प्रकार की अनियमितताएं हैं। लगातार ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मेडिकल विश्वविद्यालय कोई भ्रष्टाचार अखबारों के माध्यम से हमें सुनने को ना मिले। अभिषेक पांडे, अध्यक्ष एमपी स्टूडेंट यूनियन।